मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव में पहली बार प्रभात पहुंच रहे हैं और यहां भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के लिए वो चुनावी जनसभा करेंगे। लेकिन अति कश्यप की हत्या के बाद से मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मीडिया की चेकिंग खास तौर पर बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से हर आने वाले व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो मीडिया के कर्मचारी हैं उनके बैग और उनकी जो यूनिट है उसको स्कैन करने के लिए बाकायदा स्कैनर लगाया गया है। जिस तरह से एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है उसी तरह से यहाँ पर मीडिया के जो बंधु हैं वो जब आएंगे तो उनका पूरा सामान जो है वो यहाँ पर स्कैन किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर स्कैनिंग मशीन के साथ में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो मेटल डिटेक्टर है और जो स्कैनिंग सिस्टम है, क्या सिस्टम है ये स्कैनिंग का, किस तरह से की जाती है? जी साहब ये बता रहे हैं, बुलाया है अंदर, क्या बताओ भैया? वाईफाई चलाने के लिए, वाईफाई चलाने के लिए, उनसे बात करते हैं। ये जो स्कैनिंग मशीन लगाई गई है इसमें किस तरह से सामान चेक कर रहे हैं आप लोग? इसमें मॉनिटर लगा हुआ है, जो भी सामान होता है उसमें साफ दिखाई देता है। ये जो मॉनिटर है इसमें यहाँ पर दिख जाता है, अगर कोई संदिग्ध वस्तु है तो वो यहाँ पर साफ दिख जाएगी। मीडिया के कैमरे अगर है तो इसमें बैग में क्या रखा हुआ है, सर किस तरह से स्कैनिंग की जाती है यहाँ पर? देखिए सुरक्षा कर्मी है और यहाँ पर जो स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनिंग वैन जो है वो लगी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी। आमतौर पर मेटल डिटेक्टर या फिजिकली चेकिंग होती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जो घटना हुई है वो मीडिया कर्मचारियों ने बंद करके जो हत्या की थी अभी को रशक की और सुरक्षा के बीच में होगी, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो वैन है वो आई है और यहाँ पर तमाम आला अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी मुरादाबाद हो या SSP मुरादाबाद हो, तमाम अधिकारी खुद गेट पर हैं और एक आदमी की स्कैनिंग की जा रही है। पहली बार मेटल स्कैनिंग मशीन जो है वो लगाई गई है और जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा है वो बहुत सख्त है। उसके साथ साथ एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे हम कि जो मीडिया के लिए गैलरी होती है, मीडिया कर्मचारियों के लिए, वो इस बार बहुत अलग रास्ता बनाया गया है और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को जो कवर करने मीडिया कर्मचारी आएंगे उनके लिए बिल्कुल अलग से रास्ता बनाया गया है और एक एक मीडिया कर्मचारी की जो नाम है, पहचान है, वो चेक की जा रही है और बाकायदा उनके मोबाइल नंबर जो है वो नोट किए जा रहे हैं और खुद SSP मुरादाबाद मौके पर खड़े हुए हैं कि जो VIP लोग हैं, VIP नेता हैं या जो मीडिया के कर्मचारी हैं, क्योंकि वो बहुत मंच के करीब आ जाते हैं, VIP जो नेता होते हैं या मीडिया कर्मचारी होते हैं वो मंच के करीब होते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए यहाँ पर सख्त चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फोर्स जो डिप्लॉय किया गया है, हर पुलिसकर्मी की जो पहचान पत्र है वो सामने लगा दिए गए हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी लगाई गई है। तो मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को रामलीला ग्राउंड में संबोधित करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सख्त सुरक्षा व्यवस्था है और सख्त चेकिंग की जा रही है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।